तो भाई साहब यहाँ से मंदिर का ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है एक्सट्रीम वाला। हाँ मसूरी है यहाँ से 5 किलोमीटर, धनौल्टी 34 किलोमीटर और फलाना फलाना लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन भाई 5 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, बाई गॉड दिल कर रहा है एक सेकंड भी मैं कैमरा बंद ना करूँ। और व्यू देखो, साथ में खाई है गहरी और बादल ही बादल है नीचे और हम ऊपर चल रहे हैं। मसूरी यहाँ 6 किलोमीटर लिखा और बोर्ड पर 5 किलोमीटर लिखा था, रब जाने क्या कहानी थी क्या नहीं है। तरयामी तो हूँ नहीं कि जो मुझे पता होगा, जो बोर्ड पर लिखता हूँ पढ़ के बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और भाई गॉड जैकेट रख के कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि यहाँ लग रही है बहुत ठंड, बहुत ठंड नहीं मतलब ठंड शुरू हो गई है, इतनी ठंड लग रही है कि जैकेट की नीड लग रही है। तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। रुके हुए क्या? चलो चलो चलो। बाइक सीधर गई है, क्या बात है क्या बात? सामने का नजारा देखो, मतलब कहना ही क्या, बादल ही बादल है और बादलों के बीच में से हम निकल रहे हैं। अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हो ना तो मतलब मजा ही आ जाएगा। ओ भाई हॉन्टेड प्लेस है क्या? कुल मिला के सीन ये है, यहाँ बकैतियाँ चल रही हैं भाई, भाई यहाँ बकैतियाँ चल रही है, कुछ ना सब देख बादलों में छुप गया। सामने आप देख रहे हैं इंडिया 10 हॉन्टेड प्लेस में से एक हॉन्टेड प्लेस है जो कि बादलों के पीछे इस टाइम छुपा हुआ है। और यहाँ पे सुना है कि एक बार में इकट्ठे 20,000 लोगों की डेथ हो गई थी और न्यूज़ चैनल वालों ने भी एक्सपोज किया था, बट पता नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ था, हमें तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, जैसा बताया मेरे को लोकल्स ने वैसे मैंने आपको आगे बता दिया। कुल मिला के एक्सपीरियंस ये हुआ है कि आगे निकलने का नहीं और पीछे रहने का नहीं, नहीं अगर आगे निकल जाओगे तो भी व्यूज़ और फोटोग्राफ्स मारी जाएंगी और पीछे निकल जाओगे तो भी व्यूज़ और फोटोग्राफ्स मारी जाएंगी। यहीं आना था, आगे जाना है ना? अच्छा कहाँ जाना है? आगे इधर क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट पे, जॉर्ज एवरेस्ट पे यादें रह जाती यार। भाई ये सही लगा रखे पैनियर, साले ट्रैक्टर के साइड पे हाथ ना रख ले ड्राइवर। हाँ हाँ सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी, देखो बिल्कुल सीधी चढ़ाई। मतलब क्या ही कहने, पहाड़ों के बीच में से
घना जंगल है और बीच में से सड़क है जो कि बिल्कुल स्लिपरी है, काई जमी हुई है सड़क के ऊपर बारिश की वजह से। और भाई स्लिपरी सड़क है और दोनों तरफ जंगल है, थोड़ा सा ऑफ रोड भी है भाई साहब, मतलब क्या ही कहने। ये एक्सपीरियंस यार हर जगह की तरह ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है भाई साहब। नीचे देखना इधर और इधर भाई, दोनों तरफ घना जंगल है। शाम के टाइम तो यहाँ अंधेरे में भाई साहब जाए लंका लग जाए, कोई लाइट नहीं। और ऑफ रोड देखना, ऑफ रोड आ गई है। हम चलते जा रहे हैं, साहिल भाई आगे निकल गए हैं, हमीर भाई आगे निकल गए हैं और सागर भाई आगे निकल गए हैं। अब पता नहीं मैं सही रूट पे हूँ या नहीं हूँ, पीछे तो आ रहे हैं बाकी राइडर्स, पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये निकल गए हैं अपने राजन भाई, ये रोड पे इतना एडवेंचर है तो आगे कितना एडवेंचर होने वाला है वो देखना, कैसे भगाते हुए जा रहे खड़े होके। पूरा ऑफ रोड है भाई पूरा। अब आ रही है सारी उतराई और भाई साहब देख रहे हो ग्रीन सड़क है बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल आराम आराम से उतरना पड़ेगा क्योंकि स्लिपरी सड़क है बिल्कुल, रोड जो है एकदम स्लिपरी है। आता हूँ अभी कहाँ जाना है, वहाँ यहाँ से कितना आगे हो रहा है? अच्छा कैमरा है यार, है जगह ट्राइपॉड होगा, ट्राइपॉड निकाल देता हूँ। तो गाइस सीन अब ये है कि अब हम जा रहे हैं बद्रास टेंपल, पहले जा रहे थे लाल टिब्बा, लेकिन भाई ऑफ रोड देख रहे हो कितने छोटे छोटे गड्ढे हैं और आगे सुना है और भी ज़्यादा ऑफ रोड है। और वो खड़ी मेरी बाइक सामने, ऊपर आया था एक आधी फ़ोटो खिंचवाई, वो आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पर। और अब चल रहे हैं बद्रास टेंपल की तरफ, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाएंगे, ठीक है लेट्स गो। दो बाइक वाले फैमिली के मेंबर मिले थे, वो और फाड़ के चले गए कि आगे और भी ज़्यादा ऑफ रोड है, जो होगा देखी जाएगी। चल रहे हैं अभी तो रब जाने बाइक में क्या क्या कमी आएंगी यहाँ से जाने के बाद, लेकिन हमारा लेह लद्दाख स्पीति वैली सारा कुछ हो चुका है, अब हम जा सकते हैं स्पीति वैली भी और लेह लद्दाख भी जब इसने ऑफ रोड में हम चला लिए हैं। और जो वाटर क्रॉसिंग है बस वो रह जाएगी, वो भी अगर आ गई तो भाई कन्फर्म जा सकते हैं लद्दाख या स्पीति वैली। भाई अभी तो शुरुआत है, व्लॉग्स अच्छे अच्छे होने वाले हैं, प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऊपर ऊपर इधर हाँ हाँ बादल ही बादल हैं भाई, सामने देखो सामने कितना धुंध नज़र आ रही है, धुंध नहीं है बेसिकली ये बादल हैं। और भाई साहब नेक्स्ट लेवल फील, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, मैं मसूरी पहले भी आ चुका हूँ लेकिन इस टेंपल में पहली बार जा रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ से मंदिर का ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है एक्सट्रीम वाला, मतलब क्या ही कहने, अरे भाई मज़ा आ गया। ये वैसी रोड है जैसी हमें जीबी में मिली थी ना, और ये वाटर क्रॉसिंग साइड पे रहेगी। रोड देख रहे हो, रोड है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है भाई, मजा आ गया भाई। इधर देख खरी खाई, इधर देख बस
ईश्वर भला करे। और पानी की बूंदे ना बादलों की ऐसे लग रही है हाथ में कि बस क्या बताऊं भाई, मजा आ गया भाई, कुछ भी कहो, आनंद, नेक्स्ट लेवल फील। ओहो, एक मिनट मोड चेंज कर दूं। हमारी इंट्रूडर हो गई है यहाँ पे फेल चढ़ाई चढ़ने में, और इसी के साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये बाकी सारे भाई खड़े हैं और बस यही सामने मंदिर है, मंदिर चलते हैं। भाई मंदिर का नाम क्या था? बजराज भद्राज। तो गाइस फाइनली मंदिर का नाम भी पता लग गया, भद्राज टेम्पल है जहाँ हम आए थे। आगे का आपको पता लगेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो होप करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, भाई का भी सबका नेक्स्ट व्लॉग में। टेम्पल आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब मिलते हैं आपको किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज योर दोस्त दीपक छाबड़ा, ओके बाय बाय। जुड़े जमीन से आसमां पे रखे पैर, पहले तेरी मेहनत फिर होती रब दी मेहर।